मंगलवार को लुगासी चौकी क्षेत्र के ग्राम धीरजपुर निवासी एक युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देते हुए बताया कि उसके पिता की हत्या करने वाले आरोपी खुलेआम गांव में घूमकर उसके ऊपर राजीनामा का दबाव बना रहे हैं और बात न मानने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। धीरजपुर निवासी शैलेंद्र यादव ने बताया कि 13 जुलाई को गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर उसके पिता शंकरलाल यादव की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पिता की हत्या में शामिल आरोपी विशेष यादव, रोहित यादव, कल्लू यादव, रामपाल यादव और देशराज यादव को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। साथ ही उक्त आरोपियों द्वारा शैलेंद्र सहित उसके परिवार के ऊपर प्रकरण में राजीनामा करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। लगातार मिल रही धमकियों से शैलेंद्र का परिवार दहशत में है। अधिकारियों को आवेदन देकर शैलेंद्र ने फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। इनका कहना है कि आरोपी न सिर्फ गांव में घूम रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया का यूज करते हुए अपनी तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी पुलिस को सौंपी गई हैं। हमारे पिताजी हैं, उन्हें छेक के मारा हूँ। हाँ। वह जाहे बुद्धि महंता रामलाल राजू हलकाई राज बदकसूर व रोहत बसीज व करण कल्लू 12 लोग हते उन्हें क्या नाम था पिताजी का? शंकरलाल यादव। आज साफ मिले वे जो कहेगा ये हम ये एप्लीकेशन दिया ले क्या वे वो हम 3 दिन कलेक्टर साहब लोग दे आए।